हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्रिएट करेंगे लुक, तो चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। सबसे पहले हम ले रहे हैं हुडा ब्यूटी स्मोकी ऑब्सेशंस पैलेट और एक ब्रश की हेल्प से हम पिक कर रहे हैं ये ब्राउन पिगमेंट और इसको डिपॉजिट करेंगे स्टैम्पिंग मोशन में। कलर को अच्छे से डिपॉजिट करने के बाद हम ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से हम ये स्किन लाइक शेड लेकर एजेस को डिफ्यूज कर रहे हैं। सेम ब्रश से सेम शेड लेकर हम आईलेट पर इस तरह से अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब मैं ले रही हूँ ये रेड लाइनर फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस। ये लुक पॉसिबल है इसी लाइनर की वजह से। इसकी जो ब्रश है बहुत इजी टू वर्क विथ है और हम इजीली हार्ट क्रिएट करें उसी ब्रश से जो इस लाइनर के साथ है। हेयर एंड देयर हम हार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। मैं ये फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ। छोटे बड़े हार्ट्स ड्रॉ कर रहे हैं हम। अगर मैं ये लुक कर सकती हूं तो आप मुझसे बेहतर ये लुक कर सकते हैं। सारे हार्ट्स ड्रॉ हो जाने के बाद सेम आईलाइनर से हम ड्रॉ करेंगे एक विंग और एक अच्छा सा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हम लाइनर लगा रहे हैं। क्योंकि ये इतना ओपेक नहीं है तो एक से दो बार हम इसे लगा रहे हैं। यूज करेंगे ये व्हाइट लाइनर फ्रॉम द सेम ब्रांड कर्व्स एंड लैशेस और इस तरह से स्ट्रोक्स देने की वजह से ये हार्ट हमें 3D एंड लाइवली लगने लगे हैं। अब हम एक पॉइंटी इनर कॉर्नर बना रहे हैं। वॉटर लाइन के लिए हम यूज कर रहे हैं इनग्लॉट का जेल आईलाइनर। मेकअप रेवोल्यूशन के इस पैलेट से हम ये रेड शेड पिक कर रहे हैं और उसको स्टैम्पिंग मोशन में लोअर लैश लाइन के पास लगा लेंगे। पैलेट में से हम ये सिल्वर शेड लेकर अपनी ब्राउ बोन एज वेल एज इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लेंगे। हमने फॉल्सीज ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हैं एंड दिस इज द कंप्लीट लुक यू गाइस। आई होप आपको ये लुक पसंद आ जाए। अगर ये लुक पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।